बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट। नाज़रीन, वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान का बुनियादी ख्वाब ये था कि लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए, लेकिन इंसाफ फराहमी का ये ख्वाब उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारी पुलिस गैर जानबदार नहीं हो जाती। अभी हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेके आए हैं जिसमें पुलिस ने मुकम्मल जानबदारी का सबूत देते हुए ज़मीन के एक ऐसे मालिक को मुलज़म बना दिया है जो इस ज़मीनों का जद्दी पुश्ती मालिक है। पहले हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट देखें, फिर मैं आपको मज़ीद इसके हवाले से हकैक से आगाह करता हूँ। अगर हम बात करें वफाकी दारुलहुकूमत में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों की, तो वफाकी पुलिस की जानिब से बेशुमार दावे किए जाते हैं कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन जो हकायक हैं, जो हकीकत है, वो ग्राउंड रियलिटी पे कुछ और ही है। इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरा शहरी है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली साहब, ये बताएं कि आपके जो भाई वो अपनी जगह पे बुक ऑफ करने गए थे, अपनी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ कुछ बंदे भी होते हैं, तो उनके ऊपर इन्होंने जो है, जो हमारे कज़न हैं, उन्होंने हमसे वो गलत हमारी जगह पे बैठे हुए, उन्होंने वहाँ कब्ज़ा किया, उन्होंने एक फ्रंट मैन को यूज़ करके हमारी जगह पे आ गए। और अब जब हमारे भाई वहाँ बुक ऑफ करने गए, तो अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ थाने में आके एक झूठा पर्चा दिया, यहाँ कुछ मेरी बजट करके कुछ पैसे वगैरह दे के, और उनको उन्होंने जो है वो अपना हवालात में डाल दिया। और अभी मैं ढूंढूं कि हमारी तरफ से कोई हमारा केस सुने, तो न कोई डी ओ साहब मिले, न एस एच ओ साहब मिले। आपने जब पुलिस से रब्ता किया इस हवाले से, पुलिस का क्या उम्मीद करता है इस हवाले से? पुलिस में जो है ना, कोई अवेलेबल ही नहीं है, वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेज रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा, वो कह रहे हैं डी ओ ऑफिसर को मिले जा, तो वो अवेलेबल नहीं है। एस एच ओ साहब को ऑफिस में बैठा रहा हूँ, वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी हमें नहीं पता कि हमारी कैसे छुपाई। नाज़रीन, कुछ FIRs की कापियाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो इस वक्त आप खबरें टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक कानून है कि किसी भी एक वाकया के दो मुकदमात दर्ज नहीं होते। आज से कुछ अर्सा पहले इसी ज़मीन पर कब्ज़े का मामला हुआ, और जिस पार्टी के खिलाफ कब्ज़े की FIR दर्ज हुई वो आप इस वक्त देख सकते हैं, थाना शहज़ाद टाउन में। अब जो उस FIR में मुलज़म पार्टी थी, उनकी जानब से थाना खन्ना में असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर जो है वो एक और मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जो कि राजा सुहेल नामी शहरी के खिलाफ दर्ज करवाया है। और आज खन्ना पुलिस की जानब से राजा सुहेल को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन कुछ और दस्तावेजात आप देख सकते हैं, जिसमें राजा सुहेल, जो उनके फैमिली मेंबर, उनके भाई अली ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उनका ये कहना है कि इस मुस्कोरा ज़मीन के तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे नाम पर हैं। और जो अदालत की जानिब से फैसला आया है, उसमें भी अदालत ने ये वाजह तौर पर अपने हुक्मनामे में कहा है कि ये ज़मीन जो है वो राजा सुहेल से बिलोंग करती है। दूसरी, आपका क्या नाम है? ये कमर साहब है। इनका ये दावा है कि ये जिस ज़मीन पर लड़ाई झगड़ा हुआ है और कब्ज़े का ये मुकदमा पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया है, ये ज़मीन इनकी ज़ाती मिल्कियत है। आप बताइएगा जी, कितने अरसे से आपकी ये मिल्कियत है, आपने कहाँ से ली है? ये तो हमारी जदी ज़मीन है। जदी ज़मीन है आपकी, और इसमें कोई और हिस्सेदार भी है? हाँ, चार भाई थे, फिर आगे उनकी ट्रांसफर। तो जो दूसरी पार्टी जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, उनका तो ये कहना है कि ये ज़मीन जो है इसमें हमारा भी हिस्सा है। हिस्सा है सबका, लेकिन वो नजायज़ तौर पर काबिज है। ये सुहेल भाई जो गए हैं, ये तो अपनी जगह पे अपनी जगह दे चुके हैं। नाज़रीन, ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके आपने सुना, जो मुतासरा पार्टी है, जो इस वक्त इनका एक राजा सुहेल नामी शख्स है, वो भी गिरफ्तार है। इनका ये मौक़िफ़ है कि ये हिस्सेदारी का मामला है, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने प्रॉपर जो है वो तफ्तीश नहीं की, और वन साइडेड कार्रवाई करते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। और इस हवाले से जब हमारी ASP उस्मान मुनीर से बात हुई, तो नाज़रीन, इस वक्त उस्मान मुनीर हमारे साथ मौजूद है, उनका भी हम सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ये तो इनका ना ज़मीन का तो मसला है, तनाज़ा है आपस में, ठीक है। कब्जा दूसरी पार्टी जो है ना, मौसम लोग हैं, जो दूसरी साइड है तारिक लोग, मौसम कब्जा उनके पास है, ठीक है। ये तो गए हैं, पर मतलब इनका कोर्ट केस भी चलता है, ठीक है। ये गए हैं और जाके इन्होंने वहाँ पे तो मतलब अपने गार्ड शार्ड और ये को लेके गए हैं,
ठीक ठीक है ठीक। और उनके हाथे में घुस के कुछ जाना मतलब कोई मतलब कब्जा शब्दा लेने की वापस लेने की कोशिश की ठीक। उस पे इन पे पर्चा हुआ है, इनकी वीडियो भी वायरल हुई भी है। इनकी जो भी जद्दी जमीन है ना या जो भी है जो भी इनका मौकफ है वो तो इन्होंने कोर्ट को बताना है ना, पुलिस का के पास ही आते ठीक है। रात मैंने इनको 4 घंटे लगा के, इससे पहले भी ये मेरे पास आए थे, मैंने कहा था कि आप कोर्ट का फैसला लेंगे नंबर वन, नंबर टू आप बैलअप डलवाएं जो तरीकाकार है पुलिस आपके साथ जाएगी, कब्जे ऐसे नहीं होते ठीक है। और लेकिन इन्होंने फिर ये किया, फिर उसको उसके ऊपर जो है ना मतलब फ्रैट श्रैट और ये इस तरह से सारी वो वीडियो वायरल हुई भी है, वो सभी पूरी दुनिया ने देखी है बिल्कुल ठीक है। और ये देखें पुलिस का काम ये डिटरमिन करना कि ये जगह किसकी है, ये रेवेन्यू का काम है या अदालत का काम ठीक है ना जी। इन तरीकाकार ये होता है कि अगर आप किसी जगह पे काबिज है ना और वो जगह मेरी है तो मैं अदालत के थ्रू उसको साबित करूंगा, फिर बैलफ लूंगा, ऑर्डर लेने के बाद बैलफ लूंगा, बैलफ लेके आ जाऊंगा मुतलका थाने में, कहें जी मेरे साथ चलें, मेरी ये जगह है अदालत ने मुझे दे दी है, मैं आपके साथ जाऊंगा आपको जगह खाली करवा ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये इस तरह नहीं होता कि आप कोर्ट में, कोर्ट अगर आपको ऐलान भी कर देना मस्जिद में तब भी आप इस तरह जो है ना असला लहराते हुए नहीं जा सकते, और फिर एसएमजी रखना इन एनी केस जुर्म बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और वो वीडियो वायरल हुई भी है, उसमें सारी चीजें हैं, दूसरी मतलब दूसरी साइड पे वो लोगों ने एहतजाज भी किया, उस पर फिर जो है ना मतलब रिटें होती हैं ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो एज पर लॉ है जो बुक है हम फिर उसके मुताबिक चलते हैं, खास तौर पर इस तरह के वाकयात में। हालांकि इसकी मैंने अच्छी खासी जो है ना मतलब इनका पैचअप भी रात करवाने की, 4-4.5 घंटे में इन दोनों पार्टियों के साथ बैठा रहा हूँ, इनका पैचअप करवाने की भी कोशिश की है ठीक हो गया हाँ, लेकिन वो फिर नहीं हो सका, है ही आपस में कजन। नाजरीन जिस तरह का ये मुकदमा थाना खन्ना पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए यही मालूम होता है कि कब्जा माफिया के खिलाफ जितने भी दावे वफाकी पुलिस की जानिब से किए जाते हैं वो सब बेबुनियाद और झूठे और मनगढ़ंत दिखाई देते हैं जी। तो नाजरीन आपने एएसपी उस्मान मनीर की बात भी सुनी, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इंसाफ का रेट लगता है। आप अपनी मर्जी का इंसाफ चाहते हैं तो तफ्तीशी को खरीद लें, तफ्तीशी नहीं खरीदा जा सकता है एसएचओ को खरीद लें, बल्कि अगर आप तफ्तीशी को खरीद लें तो बाकी मामला वो खुद ब खुद सीधे कर देता है। और इससे पहले जो ये मोहसिन जमान और तारक जमान और फख्र जमान वगैरह जो है इसी इलाके में, उन्होंने बगैर एनओसी के पूरा टाउन बना के फरोख्त कर दिया, लेकिन पुलिस वहां नहीं गई। और राजा सुहेल का जुर्म यह है कि वो अपनी ही जमीन पर मुसल्ला लोगों के साथ गया, और जाता भी कैसे ना, क्योंकि वहां पे पहले से कब्जा है तारक जमान, मोहसिन जमान और फख्र जमान वगैरह का, क्योंकि उनसे इनको सिक्योरिटी थ्रेट भी था, लिहाजा ये मुसल्ला होके गए कि कहीं पे हमला ना हो जाए। लेकिन पुलिस ने इसी को बुनियाद बनाकर इन्हीं के ऊपर मुकदमा दे दिया, लिहाजा पुलिस जब जानबदार हो जाएगी तो इंसाफ ऐसा ही होगा। और फिर वजीर आजम का जो ख्वाब है कि लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पर दिया जाए, वो अपनी मौत आप ही मर जाएगा। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।